नहीं, इसमें हिंदू धर्म का कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी बोला नहीं गया, बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है। इसमें बीच में ऐसे संस्कृत के वर्ड्स भी यूज करे जा रहे हैं अस्त्रों के साथ, जिससे हमारा कल्चर और ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। कंगना को खुद नॉलेज नहीं है क्या बोलना चाहिए, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगी कंगना? प्योरली अगर मूवी को मूवी की तरह देखा जाए तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल चीजों को कोई नहीं छेड़ा है। 150 रुपए फुल वसूल मूवी है, फुल वसूल 150 रुपए पैसा वसूल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मामवानी। लंबे वक्त से इंतजार में रही फिल्म ब्रह्मास्त्र आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक साथ लीड रोल में नजर आए हैं। फैंस ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री को रणबीर और आलिया की इस फिल्म से बेहद उम्मीदें थी, क्योंकि COVID-19 के बाद से बॉलीवुड फिल्मों को खासा रिस्पांस नहीं मिला। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से बॉलीवुड फिल्मों को बॉयकॉट करने का ट्रेंड सामने आया, जिसके बाद फैंस फिल्मों को नेपोटिज्म का हवाला देकर बॉयकॉट कर रहे थे, जिसके कारण बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों का बहुत फीका परफॉर्मेंस रहा है। ब्रह्मास्त्र के आने के बाद क्या ये बॉयकॉट ट्रेंड हट पाएगा? क्या ब्रह्मास्त्र फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि ब्रह्मास्त्र अभी तक नॉन हॉलीडे ओपनिंग का रिकॉर्ड बना चुकी है। बॉयकॉट ट्रेंड के बाद भी इस फिल्म के लिए जनता काफी उत्सुक थी और फिल्म आने से पहले पब्लिक में इतना क्रेज था कि फिल्म के पहले शो से पहले ही ऑनलाइन शो की एडवांस बुकिंग से 19.66 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म के कलेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी जबरदस्त रहा है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है और इस फिल्म के कलेक्शन का ट्रेंड बताता है कि फिल्म की कमाई इससे भी ज्यादा हो सकती है। फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में है, साथ ही अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म के बॉयकॉट की बात कर ही रही हैं तो बता दें कि इस फिल्म पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म पर कटाक्ष किया है। कंगना रनौत ने ब्रह्मास्त्र फिल्म को डिजास्टर बताते हुए फिल्म निर्माता करण जौहर और निर्देशक आयान मुखर्जी को फटकार लगाई है। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म निर्माता करण जौहर को फटकार लगाते हुए कहा कि करण जौहर ने इस फिल्म में हिंदू धर्म और दक्षिण लहर की सवारी करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने करण पर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रचार के लिए दक्षिण के अभिनेताओं और निर्देशकों से भीख मांगने का आरोप लगाया। कंगना रनौत ने निर्देशक आयान मुखर्जी को भी नहीं बख्शा और लिखा, जो लोग भी आयान मुखर्जी को जीनियस कहते हैं उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में 12 साल लगा दिए, 14 DOP बदले, 400 से ज्यादा दिन फिल्म शूट की, 85 असिस्टेंट डायरेक्टर बदले और 600 करोड़ फूंक दिए। वहीं आखिरी समय पर फिल्म का नाम बदलने पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई। इस तरह के धोखेबाज लोग, सफलता के भूखे लोगों को अगर जीनियस कहा जाए तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। कुछ इस तरह ब्रह्मास्त्र को बायकॉट करने की मांग के साथ इस फिल्म पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच फिल्म रिलीजिंग के बाद जनता ने इस फिल्म को कितना प्यार दिया और फिल्म पर हुए कटाक्ष को किस तरह देखा, सुनिए पूरी रिपोर्ट में। अच्छी थी, VFX भी काफी अच्छे थे, स्टोरी भी काफी अच्छी थी, पार्ट टू के लिए काफी अच्छा सस्पेंस छोड़ रखा है एट द एंड। नहीं ये काफ़ी ये यस आई थिंक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ इन्होंने दिखा रखा है कि रिलीजियस उसको भी लेके कि ज़्यादा वो ना हो कि कोई ज़्यादा गंदे वे में दिखा रहा कुछ गंदा कुछ नहीं। बहुत अच्छी है ये मूवी भाई, हर एक मोमेंट इसकी अच्छी है। 150 रुपये फुल वसूल मूवी है, फुल वसूल 150 रुपये पैसा वसूल 150 रुपये 150 रुपये। ऐसी मूवी आज तक बॉलीवुड में आई नहीं है और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसी बहुत बने, बहुत मूवीज बने। बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत पार्ट रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, दिल दिल खुश हो गया बस। अच्छा सर, आप बताना चाहेंगे कि कैसी मूवी लगी? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। बॉयकॉट चल रहा था, बॉयकॉट ट्रेंड होगा, तो क्या ये मूवी इस बॉयकॉट ट्रेंड को हटा पाएगी? बिल्कुल हटा पाएगी, सबको बिल्कुल बिल्कुल बना पाई है और लोगों को देखना चाहिए आकर के थिएटर में। हाँ अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा पिक्चर। क्या पार्ट आपको इसमें अच्छा लगा है? इसमें सब कुछ हम मेरे तरफ से तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली मूवी है जी। सर आप क्या रिव्यू दे रहे हैं? नाइस, वेरी नाइस, अच्छी मूवी
जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैम बेस्ट मूवी लगी है मेरे को, मैं देख के आया हूँ जब भी। अच्छी मूवी लगी? यस मैम, बहुत प्यारी है। क्या इसमें अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी है या VFX अच्छे लगे? VFX यस मैम। स्टोरी नहीं अच्छी लगी? मैम स्टोरी भी अच्छी लगी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे VFX में आई है वीडियो मूवी। सर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी है फिल्म, VFX बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल परफेक्ट मूवी है। परफेक्ट, सबसे पहले जो क्रिटिक्स हैं ना उनका मुंह तोड़ना चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्मों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ट्रेंड में बॉयकॉट ट्रेंड जो कर रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, सब बैड जो मीडिया है ना, ये सब वो है और कुछ। रनौत जो है सवाल खड़े कर रही हैं और जो उन्हें, यार कंगना को खुद नॉलेज नहीं है क्या बोलना चाहिए, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगी कंगना? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिव्यू? शिवा को लेके मूवी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। इनफैक्ट देव का नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसके लिए भी सब इतने एक्साइटेड होंगे। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना परफेक्ट है, आपको पूरी फील आएगी शिवा की। कोई पॉलिटिकल मूवी में कुछ नहीं है, कंगना रनौत ये सब दीज आर बैड मीडिया। आप जितना बैड क्रिएट करोगे लोग उतना आके देखेंगे। इनफैक्ट सब ने इतनी हूटिंग की है, इतना इन्जॉय किया है, कमाल की मूवी है। अच्छा, हिंदू धर्म को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसको लेकर क्या? इसमें कुछ नहीं है परफेक्ट, जैसे नॉर्मल सीरीज होती है ना हैरी पॉटर या फिर एवेंजर्स की, ये उस तरीके का कॉन्सेप्ट इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है। एंड आई थिंक इसकी नेक्स्ट सीरीज के लोग इतने एक्साइटेड होंगे उस टाइप का। ये जो भी नेगेटिव मीडिया, जो भी मार्केटिंग आ रही है, प्लीज़ इसकी तरफ ना जाएं, मूवी को देखें, इसकी नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट कर रहे हैं सब। एंड जब भी आएगी आई एम श्योर इट्स गोना बी हाउसफुल। लोग कह रहे हैं कि इसमें लव स्टोरी का एंगल को ज़्यादा घुसा दिया है तो जिस कारण से मूवी की स्टोरी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनी है, क्या कहना चाहिए? इतना प्यारा कॉन्सेप्ट दिखाया है रणवीर एंड ईशा का, उसको लाइक लव एंगल से ना देख के वो जो उनके पास पावर्स होती हैं उसकी तरफ ज़्यादा मूवी ने फोकस किया है। सिर्फ वही मैं कह रही हूँ, जैसे कि लोग बोल रहे हैं नेगेटिव ताकि लोग और आके देखें और उसके बारे में और मुद्दा उठाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स रियली नाइस मूवी, यू शुड गो एंड वॉच इट। बॉयकॉट ट्रेंड जो है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है बॉलीवुड में कि किस तरीके से बॉय जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनको बॉयकॉट करना है, तो क्या उस ट्रेंड को ये मूवी आने के बाद क्या वो ट्रेंड हट पाएगा? ये ऐसा कुछ एक्चुअली बॉयकॉट वाली चीज़ थी ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती, बट ये देख के ही मैं मूवी देखने गई थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आई रियली होप लोग सही चूज़ करें। उज्जैन में जो है रणवीर और आलिया को मंदिर में जाने से रोका गया तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसका इस चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, प्योरली अगर मूवी को मूवी की तरह देखा जाए तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल चीज़ों को कोई नहीं छेड़ा है, प्योरली लोगों के पास पावर्स होती है वो इस मूवी में दिखाया गया है। एंड उज्जैन वो मंदिर में ना घुसना वो एक अलग तरीके की चीज़ है जिसको कनेक्ट किया गया है इससे। रिव्यू करना चाहेंगे? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी, क्योंकि मेरा जो रणबीर कपूर है वो मेरा फेवरेट हीरो था एक्चुअली, और आलिया भट्ट मुझे ज़्यादा पसंद आया था, अब ज़्यादा पसंद लग गया, और इनकी लव स्टोरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर किसी का मतलब किसी के बीच में प्यार ना हो, ये मूवी देखना हो, उनके प्यार उमड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मूवी अच्छी थी। बॉलीवुड स्टोरी आपको अच्छी लगी? हाँ, स्टोरी अच्छी थी और लव स्टोरी भी मतलब ठीक ठाक थी, ये नहीं कि ज़्यादा कर दी स्टोरी या लव स्टोरी ज़्यादा कर दी, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। यार अगर लव स्टोरी नहीं होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज के टाइम में लव ज़्यादा चल रहा है आज की, यू नो, तो मुझे ऐसा लगा सही है। पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जैसे कि बॉलीवुड में मूवी को बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड बार बार चला आ रहा है, तो क्या ये मूवी उस बॉयकॉट ट्रेंड को हटा पाएगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये हटा देती है, क्योंकि ये मूवी इसकी जो स्टोरी है वो पावरफुल है और जो उसका VFX है वो खतरनाक है, तो मे भी मुझे लगता है हटा सकती है। हाँ, ठीक ठाक है। कितना इसको रेटिंग देना चाहेंगे? 5 में से 5 में से 4.5। सर आप बताइए क्या रिव्यू करना चाहेंगे मूवी? मूवी काफ़ी औसम है, सबको देखनी चाहिए, और ये जो बॉयकॉट कल्चर चल रहा है उसको ये काफ़ी हटा सकती है, ये बहुत अच्छी मूवी है। इसमें एक्शन और रोमांस दोनों एकदम बैलेंस है, परफेक्ट, और VFX ने इसमें पूरी जान डाल रखी है। अगर कोई ऐसा वैसे मूवी ना पसंद आ रही हो, VFX की पक्का तारीफ करके जाएगा, VFX बहुत औसम है। इसमें आयान मुखर्जी की पूरी 10 साल की मेहनत इसमें दिख रही है अच्छे से। अच्छा, ये बताइए कि कंगना रनौत जो है वो बार बार सवाल खड़े कर रही है इस पर और बोल रही है कि हिंदू धर्म पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और करण जौहर को ट्रेंड किया जा रहा है इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? नहीं, इसमें हिंदू धर्म का कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी बोला नहीं गया, बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है। इसमें बीच में ऐसे संस्कृत के वर्ड्स भी यूज़ करे जा रहे हैं अस्त्रों के साथ, जिससे हमारा कल्चर और ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है कि हाँ हमारे कल्चर्स में ऐसे भी थे चीज़ें की ये सब थी। और इसमें जितने भी अस्त्रों के बारे में बताया गया उनके डीप बताया गया कि कैसे वो अस्त्र हैं, क्या है, कैसे यूज़ हो रहे हैं, और उनमें संस्कृत का जो यूज़ है उससे लग रहा है कि हाँ हिंदी कल्चर है उसमें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।